कल धारशहर के पीजी कॉलेज की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया था। छात्रा परीक्षा देने के लिए कॉलेज पहुंची थी। परीक्षा खत्म होने के इंतजार में कार से कुछ युवक कॉलेज के समीप ब्रेकिंग कर रहे थे। छात्रा शाम के समय पेपर देकर बाहर निकली तो मौका पाकर बदमाशों ने छात्रा का पकड़कर कार में खींच लिया और उसका अपहरण कर भाग निकले। लोगों ने जब यह घटनाक्रम देखा तो शोर भी मचाया, लेकिन बदमाशों की कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि वे किसी के हाथ नहीं आए। इस घटनाक्रम से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं शहर की नाकाबंदी कर सर्चिंग के लिए टीमों को भी लगाया गया है। धार एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कल पीजी कॉलेज से बालिका के अपहरण प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर घटना में प्रयुक्त वाहन व अन्य आरोपियों को चिन्हित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा थाना बाग के जंगलों में सर्चिंग करवाई जा रही है। जल्द ही अपहर्ता को बरामद कर पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। कल शाम को थाना नौगांव अंतर्गत पीजी कॉलेज के सामने से परीक्षा देकर आ रही छात्रा का अपहरण हुआ था। उसमें अपहरण का मामला थाना नौगांव में कायम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और एसपी सर धार के मार्गदर्शन में 10 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के अथक प्रयास और परिश्रम से पूरी घटना को ट्रेस कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन और अन्य आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। एसपी सर स्वयं बाग और डेहरी के जंगलों में कैंप किए हैं, वह अपने मार्गदर्शन में सर्चिंग करा रहे हैं। बहुत जल्द ही अपहर्ता को बरामद कर लिया जाएगा और पूरी घटनाक्रम के बारे में पटाक्षेप किया गया। अपहरण क्यों किया गया, कि अपहरण करने वाले जान पहचान के थे क्या, पूरा मामला? अभी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। बहुत जल्दी हम इसका पटाक्षेप करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.